इतने सारे बच्चे हैं, जरा मेरे साथ जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अब मैं कह सकता हूं शिवसेना के नेता श्री एकनाथ जी शिंदे, मेरे मित्र और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उच्च एवं टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, श्री चंद्रशेखर बावनकुले अध्यक्ष महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री दीपक केसरकर जी, श्री विनोद कुमार लोहिया जी अध्यक्ष न्यू एजुकेशन सोसाइटी, श्री पद्माकर सप्रे जी, श्री अनिल लोहिया जी, श्री वसंत पाटिल जी, निर्मल कुमार लोहिया जी, श्री नितिन वाडोकर जी, और जिनके कारण आज मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कूल की भूतपूर्व विद्यार्थी नहीं सोनल शाह जी और आज इस सारा के शाला के सभी शिक्षकगण, गुरुजन और प्यारे बच्चों, आप सभी को इस संस्था की शताब्दी के वर्ष पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बच्चों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आज के ही दिन शिव छत्रपति का जन्म हुआ था और घनघोर अंधेरी रात्रि समान अंधेरे में से एक शौर्य का, साहस का, देशभक्ति का, स्वधर्म और स्वराज का मशाल जलाने का काम शिवाजी महाराज ने किया था, जिसके कारण आज हम जिस जगह पे देश हमारा पहुंचा है, इसका संपूर्ण यश शिवाजी महाराज को जाता है। मैं शिव छत्रपति को हम सब की ओर से प्रणाम करकर, उनको याद करकर आज के मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंचालक गुरु जी का भी जन्मदिन है और आज महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी का पुण्यतिथि भी है। मैं इन सभी महान आत्माओं को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज मैं यहां पर लोहिया जी के निमंत्रण पर इस संस्था की शताब्दी के उत्सव में शामिल होने के लिए आया हूं। मैं लोहिया जी और उनके पूरे ट्रस्टी जनों को कहना चाहता हूं कि कोई भी संस्था, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर काम करती हो, जब वो शताब्दी मनाती है तो उसका मतलब है संस्था चलाने वालों ने इसके अंदर अपना सब कुछ डाल दिया है, तभी जाकर संस्था चलती है। और शैक्षणिक संस्थाओं को एक शताब्दी तक चलाना, एक शताब्दी तक, 100 वर्ष तक एक संस्था चलती है तो लाखों विद्यार्थी यहां अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त कर समाज के अंदर योगदान देने के लिए जाते हैं। ये भूमि, ये जगह, ये संस्था, वो लाखों विद्यार्थियों का जो शिक्षा दान हुआ है, इसी से इतनी पवित्र हो जाती है कि कोई भी मंदिर की पवित्रता इस भूमि से जरा भी, ये भूमि की पवित्रता कोई भी मंदिर से जरा भी कम नहीं होती। लाखों विद्यार्थियों का जीवन जहां पर गढ़ने का काम हुआ हो, इस प्रकार की शताब्दी पुरानी संस्था में आज मुझे यहां पर बुलाया है, इसलिए मैं सभी संचालकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे लिए एक और भी है, मेरी धर्मपत्नी भी यहीं पर पढ़ी है, यहीं उन्होंने
ज्ञान प्राप्त किया है और मुझे बड़ा फक्र भी है कि आज उनको और मुझे दोनों को बुलाकर आप लोगों ने यहाँ सम्मानित किया। संस्था के अनेक विध अचीवमेंट्स हैं, चाहे खेल हो, चाहे राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता हो, चाहे कंप्यूटर, चाहे कला, चाहे टेक्निकल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस संस्था के विद्यार्थियों ने बहुत सारा काम किया है। मगर आज मैं साच अर्थ में यहाँ पर बच्चों से बात करने के लिए आया हूँ। बच्चे हिंदी समझते हैं ना? आप पीछे बैठे हैं सारे हिंदी समझते हैं क्या? जरा हाथ ऊपर करो तो। पक्का? मित्रों, मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है। ये हमारी आजादी का 75वां साल है, हमारी आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की, एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का को स्वीकार किया और आज 75 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो 75 साल में हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सभी नागरिकों के लिए और विशेषकर देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, तरुणों के लिए एक लक्ष्य रखा है। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब हम सबके सामूहिक प्रयास से ये देश दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम हो, एक नंबर हो, ऐसे देश की रचना करें। महान भारत की रचना के लिए ये 75 साल से 100 साल का कालखंड, इस संकल्प से सिद्धि का कालखंड, संकल्प को सिद्ध करने का कालखंड। आज मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी जीवन में एक संकल्प जरूर लीजिए और वो संकल्प को आप पूरा जीवन इसकी पालना करिए। चाहे संकल्प बहुत छोटा सा हो कि घर से बाहर निकलते वक्त मेरे माँ बाप को मैं प्रणाम कर ही घर के बाहर निकलूंगा, मेरी अन्न की थाली में कोई झूठा भोजन मैं नहीं छोड़ूंगा, घर में से कमरे में से बाहर निकलते वक्त सभी लाइट की स्विच ऑफ कर ही निकलूंगा, मैं कभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। ऐसे छोटे छोटे मगर एक संकल्प जरूर लीजिए। अगर एक संकल्प लेते हैं और वो संकल्प को सिद्ध करने की जिद डेवलप होती है आपके स्वभाव में, तो जब जिंदगी में बड़ा संकल्प लोगे तो उसको भी पूरा करने का साहस और आदत आपके अंदर खड़ी हो जाए। और संकल्प लेकर उसको सिद्ध करने की जिद ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। जब व्यक्ति ठान लेता है मुझे ये करना है, उसको अपना लक्ष्य बना देता है और अपना संपूर्ण पुरुषार्थ वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए जोड़ देता है, तभी वो जीवन में सफल हो सकता है। मित्रों, आज मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आलस के कारण कठिन लगती है। नियमित व्यायाम करना, नियमित योग करना, हेल्दी फूड खाना, कई सारी चीजें हैं मगर आलस के कारण ये कठिन लगती है। एक साइकोलॉजी का सिद्धांत है, 21/90 का सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या है? कोई भी चीज अगर लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है और 90 दिन तक करते हैं तो आपकी जीवन शैली बन जाती है। एक बार आग्रह से अच्छी चीज 21 दिन करिए, उसको 90 दिन तक एक्सटेंड करिए, बाद में आपको वो कठिन नहीं लगेगा, आपके जीवन का क्रम बन जाएगा। इसी उम्र में अगर अच्छी आदतें डाल दी, अच्छे पुस्तकों को पढ़ने की आदत डाल दी, बड़े जीवनों से प्रेरणा ग्रहण कर उस रास्ते पर अपने जीवन को डालने का सोच लिया और जीवन में से आलस्य को निकाल दिया, तो मैं बताता हूं जीवन का उच्च से उच्च लक्ष्य तय कर दीजिए, बहुत सरलता से वो आप सिद्ध कर पाएंगे। और मित्रों, जब साला में भंडते हैं
विद्यालय में पढ़ते हैं तब यही समय होता है जीवन के लक्ष्य तय करने का। जिनका जीवन का लक्ष्य नहीं होता, जीवन अपनी दिक्कतों में उसको घसीट कर ले जाता है, मगर जीवन का लक्ष्य जिनका तय होता है वो दिक्कतों को अपने साथ घसीट कर लक्ष्य के रास्ते पर चले जाते हैं और सफल होते हैं। तो मैं आज हर बच्चे को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अपने जीवन का लक्ष्य आप जरूर तय कर दीजिए, आलस्य का त्याग कर अच्छी आदतों का जीवन शैली बना लीजिए, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आज थोड़ा हम सभी को देरी हो रहा है, फिर कभी मौका लगेगा तो आकर आराम से बात करेंगे, इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं, आपकी कोई कक्षा में बैठकर बात करेंगे, परंतु आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से आज़ादी की शताब्दी आप लोगों के 25 साल है, हम लोगों के 25 साल नहीं है। शायद हम में से तो मंच पर बैठे हैं बहुत सारे लोग 25 साल के बाद होंगे भी नहीं, मगर आप मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं सभी के सभी 25 साल के बाद होंगे। महान भारत का गौरव हम सबके भाग्य में हो, यही ईश्वर प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार संस्था का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।